सो गाइस मैंने अभी अभी एक चीज़ ख़त्म किया विच आई वॉन्टेड टू शेयर. आप लोगों को पता है जैसे जो मिनरल्स होते हैं ना, सबसे अबंडेंट मिनरल हमारी बॉडी में कौन सा है? कैल्शियम, राइट? तो जब एक बच्चा नीचे गिरता है, एग्जांपल चोट खाता है, कुछ ही बच्चों को फ्रैक्चर होता है, कुछ बच्चों को फ्रैक्चर नहीं होता है. डिपेंड करता है उनके अंदर कितना कैल्शियम है उनकी डाइट में, बिकॉज कैल्शियम मेक्स बोन स्ट्रॉन्गर, राइट? इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन योर बॉडी. अब एक जो बच्चा जिसकी हाइट बढ़ रही है, लेट्स से टीनेजर, 9 से 18 साल की उम्र में बच्चे को चाहिए 1300 मिलीग्राम कैल्शियम रोज. एक कप एक ग्लास दूध में होता है 300 मिलीग्राम. फिर लेट्स से बच्चे ने उस दिन चीज़ भी खा लिया या पनीर खा लिया, उसमें 200 मिलीग्राम है. तो ये जो 500 मिलीग्राम हुआ, लेट्स से आपका बच्चा 2 ग्लास दूध पीता है, तो कितना हो गया? तो 800 हो गया. अभी तक हम 1300 पे नहीं पहुंचे हैं. तो बच्चों को कैल्शियम मिलेगा कहाँ से? हमें बच्चों को कैल्शियम सप्लीमेंट देना चाहिए. अब हमारा जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो है, अब कैल्शियम की बात ध्यान से सुनो, कैल्शियम जैसे एक होता है कैल्शियम सिट्रेट, एक होता है कैल्शियम ट्राइफोस्फेट, एक होता है कैल्शियम मेथनॉइन. ये सब क्या है? कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं. हमें इनके अंदर ये देखना चाहिए कि एलिमेंटल कैल्शियम कितना है. लेट्स से एक कंपनी कहती है मैंने इसके अंदर 300 मिलीग्राम कैल्शियम डाला है, बट एलिमेंटल कैल्शियम कितना है, मतलब बॉडी को कितना लगेगा? जो कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर होता है 40%, जो कि हमने पलक नोट्स के कैल्शियम किड्स कैल्शियम में डाला है. एंड जैसे कैल्शियम सिट्रेट है, सारी कंपनीज कैल्शियम सिट्रेट यूज़ करती हैं. द रीज़न इज उसकी एब्जॉर्बिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज इट्स एन इम्यूनो एसिड चिलेट. एंड बट उसके अंदर एलिमेंटल कैल्शियम सिर्फ 20% है. सो कैल्शियम इज़ अ बिग चैलेंज फॉर मी एज अ सप्लीमेंट एडवाइजर, क्योंकि मुझे कैल्शियम वुमेन को देना है, मेनोपॉजल वुमेन को, जो उन लोगों को मिल रहा होगा जो कि मेरा जॉइंट बिल्ड बैक ले रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने नेचुरल एग मेम्ब्रेन डालना है. बट इट्स अबाउट बच्चों को हमें कैल्शियम कैसे देना है. सो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी अभी हमारे रिसर्च लैब साइंटिस्ट से बात हुई है एंड वी गोइंग टू बी वेरी सून कमिंग अप विद लिपोसोमल फॉर्म ऑफ कैल्शियम सो दैट एब्जॉर्बिलिटी इज बेटर. क्योंकि मैं खुद माँ हूँ और मुझे ये मेक श्योर करना है. एंड दूसरी चीज़, पहले के ज़माने में बच्चों को देते थे कैल्शियम सैंडोज, बट देन रिसर्च आई दैट कैल्शियम अगर आप सैंडोज दे भी रहे हो तो यहाँ पे प्लाक जमने लगता है. देखा है कई बार यहाँ पे? और ये जो प्लाक है ये आपकी आर्टरीज में जमने लगता है, जो कि आपको ब्लड प्रेशर देता है, आपकी किडनीज में जमने लगता है, आपको किडनी स्टोन देता है. बट इफ़ यू आर टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन D3 एंड K2 विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इट्स द होल बोन मैट्रिक्स. सो हमारा जो कैल्शियम का सैंडो है, अगर आप देखोगे वो, उसका मैं सॉल्ट चेंज कर दूंगी. अभी वी आर यूजिंग कैल्शियम ट्राइफॉस्फेट. आज मैं लिपोसोमल फॉर्म ऑफ कैल्शियम में फिर से जा रही हूँ. बट जो लोग कैल्शियम की 1000-1500 मिलीग्राम ले रहे हैं, मेरा उन लोगों को ये नोटिस है, एक बार में बॉडी 250-300 मिलीग्राम से ज़्यादा कैल्शियम नहीं अब्जॉर्ब कर सकती है. आप मॉर्निंग और इवनिंग डोज लो. एंड अगर आपको इस तरीके की नील पड़ते हैं, इसका मतलब मेरा खून पतला हो रहा है ज़्यादा, इट्स अ K2 डेफिशिएंसी. सोफी को बहुत पड़ते हैं और इट्स अ लिवर प्रॉब्लम, सो माइनस K2 डेफिशिएंसी. सो आई विल बी टेकिंग टुडे विटामिन ADK. बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे.